नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों काफ़ी समय से मेरे पास क्वेश्चन आ रहा था कि एक ड्राइवर की क्या जॉब होती है, कौन सा लाइसेंस चाहिए चलाने के लिए, कौन सी गाड़ियां चलाते हैं ड्राइवर और क्या क्वालिफ़िकेशन होती है। तो उसी के बारे में, ड्राइवर की जॉब के बारे में एयरपोर्ट पर मैं आपको आज कुछ चीज़ें बताता हूँ, पूरी डिटेल से बताऊँगा सारे क्या क्या चीज़ आपको चाहिए यहाँ चलाने के लिए, और कौन कौन सी गाड़ियाँ चलाएँगे आप, कौन सा लाइसेंस चाहिए, क्या कितने क्वालिफ़िकेशन चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए ये बस है जो पैसेंजर को बिल्डिंग से लाकर हवाई जहाज़ तक छोड़ने और हवाई जहाज से बिल्डिंग तक छोड़ने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, तो बस के लिए तो आपको चाहिए हैवी लाइसेंस और 10th क्लास पास होने चाहिए। ठीक है, 10th तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए एयरपोर्ट की किसी भी छोटी से छोटी जॉब के लिए। और ये गाड़ी चलाने के लिए आपको बड़ी गाड़ी के लिए हैवी लाइसेंस चाहिए। ठीक है, इसके बाद मैं आपको इससे थोड़ी छोटी गाड़ी दिखाता हूँ, पर उसके लिए भी आपको हैवी लाइसेंस ही चाहिए होगा। ये देखिए, ये मेडिकल हाई लिफ्ट है, इसके अंदर व्हीलचेयर वाले पैसेंजर को ले जाया जाता है। चलाने में नॉर्मल ही गाड़ी की तरह ही है ये भी, और इसके लिए भी आपको हैवी लाइसेंस चाहिए होता है। चलिए आगे मैं आपको और गाड़ियाँ दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं, ये ट्रैक्टर है, इससे ट्रॉली खींचने, जीपीयू, एसीयू और भी कई चीज़ें खींचने के लिए इसका यूज़ किया जाता है फ्लाइट पर। और ये इसको चलाने के लिए भी यहाँ पे हैवी लाइसेंस ही चाहिए होता है, क्योंकि एक सिंगल छोटा ट्रैक्टर चलाने के लिए आपको लाइट लाइसेंस चाहिए, पर उसके पीछे जब ट्रॉली जुड़ जाती है, 2-3 ट्रॉली जुड़ जाती है, तो वो ट्रांसपोर्ट वाला काम करती है, तो इसलिए आपको इसके लिए भी हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारे पास एक ये टॉयलेट कार्ट है, यानी हवाई जहाज से वेस्ट निकालने के लिए इस गाड़ी को यूज़ किया जाता है, और इसके लिए भी आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए होगा। वैसे कुछ लोग हैवी मांगते हैं, कुछ कंपनियां हैवी लाइसेंस मांगती हैं आपसे, पर कुछ कमर्शियल मीडियम लाइसेंस से भी इसका काम चल जाता है। इसी तरीके से एक वाटर गार्ड भी होती है, वो भी सेम ही कैटेगरी की होती है, कहीं तो मीडियम लाइसेंस चाहिए होता है और कहीं पे हैवी लाइसेंस चाहिए होता है, तो मैक्सिमम एयरपोर्ट पर हैवी लाइसेंस ही चाहिए होता है। एक दोस्तों हमारे पास ये कन्वेयर बेल्ट है, कन्वेयर बेल्ट का इस्तेमाल हवाई जहाज से बैगेज उतारने चढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसके लिए लाइट लाइसेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसके लिए हैवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। ये छोटी गाड़ी होती है और लाइट लाइसेंस से इसका काम चल जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हमारे पास ये कार है जो कुछ कुछ इनोवा की तरह होती है, या फिर टवेरा कह लीजिए, तो उसकी तरह ये गाड़ी होती है। इसका इस्तेमाल हम फ्लाइट पर पैसेंजर्स को लाने, बिजनेस क्लास पैसेंजर्स को या VIP पैसेंजर्स को लाने ले जाने के लिए करते हैं। इसके लिए तो दोस्तों लाइट लाइसेंस की आवश्यकता होती है, इसमें ज़्यादा हैवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती, और पढ़ाई तो अधिकतर एयरपोर्ट जॉब के लिए आपको 10th ही चाहिए दोस्तों। एक दोस्तों हमारे पास ये डीजल का टैंकर है, देख सकते हैं आप, हालांकि ये 6 पहिए का है, पर इसे हम मीडियम लाइसेंस से चला सकते हैं एयरपोर्ट पर, कुछ कंपनियां इसके लिए भी हैवी लाइसेंस मांगती हैं। इससे हम अपनी गाड़ियों में तेल भरते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, देख सकते हैं आप, एक दोस्तों हमारे पास ये छोटी किया गाड़ी है, इससे हम फ्लाइट से कूड़ा कचरा लेके आते हैं, जो भी क्लीनिंग होती है ऊपर वहाँ पे जो कूड़ा कचरा बचता है वो इसके अंदर डाल के लाते हैं। हालांकि ये 6 पहिए की है गाड़ी, पर इसके लिए हमें लाइट लाइसेंस की आवश्यकता होती है, छोटी गाड़ी होती है ये। बेफिजूल में पता नहीं इसमें क्यों 6 पहिए दिए हुए हैं, समझ में नहीं आता, तो इसके लिए हमको लाइट लाइसेंस की आवश्यकता होती है। एक दोस्तों हमारे पास ये वाटर गार्ड है, जैसे टॉयलेट गार्ड थी वैसे ही वाटर गार्ड भी है, सेम उसी तरीके की गाड़ी है ये। इसके लिए हमको लाइट या फिर मीडियम लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो हैवी की ज़रूरत नहीं है, इसमें लाइट या मीडियम से काम चल जाता है, पर कुछ कंपनियां हैं, ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियां जो होती हैं वो इसके लिए हैवी लाइसेंस मांगती हैं दोस्तों। तो इन गाड़ियों के अलावा दोस्तों हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, ये इक्विपमेंट आपको तब चलाने को मिलेंगे जब आपका इन ड्राइविंग की गाड़ियों में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा,
उसके बाद आपको इक्विपमेंट सिखाए जाते हैं। सभी इक्विपमेंट्स के लिए अधिकतर हैवी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। और दोस्तों से अगर सैलरी की यहाँ बात करें तो एक ड्राइवर की सैलरी एयरपोर्ट पर कम से कम 14,000 से स्टार्ट होती है, पर अलग अलग एयरपोर्ट अलग अलग स्टेशंस पर सैलरी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, छोटे स्टेशंस पर कम सैलरी भी हो सकती है, 12,000 भी हो सकती है, पर 12 से 14 के आसपास में यहाँ सैलरी स्टार्ट हो जाती है ड्राइवर की। एजुकेशन का दोस्तों मैंने आपको बता ही दिया है, एजुकेशन कम से कम इसके अंदर 10th पास की ज़रूरत होती है, कम से कम 10th पास हाई स्कूल आप ज़रूर होने चाहिए। और दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आपकी ड्यूटी एक ही गाड़ी पर लगे, आपसे कोई भी गाड़ी चलवाई जा सकती है और किसी भी तरह का आपका इक्विपमेंट चलवाया जा सकता है अगर आपके पास उसका लाइसेंस है तो। इंडिया के अंदर किसी भी एयरपोर्ट पर 8 घंटे की ड्यूटी होती है और हफ्ते में एक ऑफ आपको ज़रूर मिलता है दोस्तों। इसके अलावा ज़रूरत के अनुसार आपको ओवर टाइम भी मिल सकता है, अगर कंपनी को ज़रूरत है तो आपको ओवर टाइम पर भी रोक सकती है। अच्छी ग्राउंड हैंडलिंग कंपनियों में आपको सिक लीव, कैजुअल लीव और इसके अलावा एनुअल लीव भी दी जाती है, जिसकी संख्या कंपनी के हिसाब से ही होती है। नेशनल हॉलीडेज़ पर जैसे 2 अक्टूबर गांधी जयंती या 15 अगस्त या होली दिवाली पर आपको 8 घंटे का ओवरटाइम या फिर कॉम्प ऑफ अलग से दिया जा सकता है। अच्छी कंपनियां अपने वर्कर्स को समय समय पर बोनस भी प्रदान करती है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से अब ज़रूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। और आपका कोई भी सवाल हो हमसे कमेंट में या टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। चलो आगे लो आगे।